फर्स्ट टाइम मैं सरोजनी जा रही एयरपोर्ट्स, हमने पूरा के पूरे एयरपोर्ट्स एप्पल की फर्स्ट कॉपी है ना हमने पार्किंग वाले से लड़ाई कर ली, उसे तो बोल दिया झूठ कि तुमने अभी 50 रुपए बताए थे, वही कंफ्यूज हो गया। फिर उन्हें ₹100 में इतनी यूनिक टाइप की जीन्स थी ना, मतलब जो जो आप पिंटरेस्ट पे देखते हो ना लिटरली वो यहाँ पर अवेलेबल थी। इस टाइप के स्टॉल्स में हमें 50-50 रुपीस के स्वेटर्स मिल, शॉप थी जिसमें समरिश टाइप की ड्रेसेस मिल रही थी अलग अलग प्रिंट्स में अलग अलग कलर्स में। एक व्लॉग बनाने की कोशिश चल रही है, हम इंट्रोडक्शन दे देते हैं, हम ये नहीं बोलेंगे हाय गाइज वेलकम टू माई चैनल, आज हम कंफ्यूज हो गए, ये बोलेंगे हाय चैनल वेलकम टू माय गाइस। मस्त जोक मारा ये हंस रहे हल्का हंस। आज हम जा रहे हैं सरोजनी नगर और ये फर्स्ट व्लॉग है, अगर सबको पसंद आया तो और लेके आएंगे। नहीं सही हस्बैंड में हमारे बोल रहे हैं कि क्या पता ये आखिरी व्लॉग भी हो। ठीक है, आई होप कि आप लोग एंजॉय करो, देखो हम क्या क्या परचेज करते हैं और क्या क्या वहाँ पर खरीदते हैं। सबसे बड़ी बात आज क्या हुआ, सबसे फनी बात हो गई कि मैं मेरठ में रहती हूँ और हम दिल्ली जा रहे हैं, तो हम रैंडमली निकल गए 8 बजे और हमारी जो फ्रेंड है वो 2 बजे तक आएंगी, तो 2 बजे तक हमें टाइम पास करना है और हमें समझ नहीं आ रहा कि हम टाइम पास कहाँ करें। फर्स्ट टाइम मैं सरोजनी जा रही हूँ, तुम गए फर्स्ट, तुम भी फर्स्ट टाइम जा रहे हो? नहीं ये फर्स्ट टाइम नहीं जा रहे, मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ। पहले हम दिल्ली ही रहते थे अगर आपको पता हो तो। भाई साहब हम तो पैदा ही दिल्ली में हुए हैं, आप रहने की बात कर रहे हो, थोड़ी देर में मिलते हैं। काटने के लिए हमने डिसाइड करा है कि हम गफ्फार मार्केट जाने वाले हैं क्योंकि हमें थोड़े फ़ोन्स की एसेसरीज चाहिए और इनको भी बहुत सारी चीज़ें लेनी है, चश्मे वगैरह भी लेना है, तो देखते हैं एक्सप्लोर करते हैं कि क्या है गफ्फार मार्केट। गफ्फार मार्केट उस टाइम खुली रही थी इस वजह से हमने कुछ शॉपिंग नहीं करी वहाँ पर से, तो फिर हमने फ़ोन्स वगैरह का काम निपटाया। अंकित ने लिए हैं न्यू एयरपॉड्स, उनको ज़रूरत थी और इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी थी और ये उसका सिलिकॉन कवर भी लिया उसका, फिर हमने अपने फ़ोन पे कवर वगैरह चढ़वाए, फिर ऐसे करके थोड़ा टाइम पास हो गया हमारा वहाँ पर। सो यस गाइस हमारी शॉपिंग गफ्फार मार्केट की कम्प्लीट हो गई है, एयरपॉड्स हमने पूरा के पूरे एयरपॉड्स एप्पल की फर्स्ट कॉपी है ना ओरिजिनल तो महंगा है, ओरिजिनल तो ऑब्वियसली महंगा है। और एक और चीज बता देती हूँ, जो लड़कियां देख रही है ये तो 100 रुपए के लेंस में भी बार्गेनिंग कर रहे थे भाई साहब हम, और हमने पार्किंग वाले से लड़ाई भी कर ली लोग मुझसे बार्गेनिंग करते तो मैं भी ना करूंगा ना हमने पार्किंग वाले से लड़ाई कर ली, उसे तो बोल दिया झूठ कि तुमने अभी 50 रुपए बताए थे, वही कंफ्यूज हो गया, फिर उन्होंने 80 रुपए करके दिए जबकि 100 रुपए था दिमाग। सो फाइनली इतना वेट के बाद मेरी फ्रेंड आ चुकी है, मीट माय फ्रेंड नीतू। मैं इतना एक्साइटेड हो गई उसे मिलने के लिए कि व्लॉग करना ही भूल गई, तो मैंने इनको कहा व्लॉग करने के लिए तू अपने व्लॉग में डालेगी तो तुम उसमें ज्यादा मत देखो, फिर मैं व्लॉग नहीं करूंगा। मुझे 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 मत डालियो, नहीं नहीं अच्छा लग रहा नहीं यार मुझे नहीं मुझे नहीं डालने का। दिस रियली फनी एज वेल एज क्यूट कि मुझे किस तरीके से इंस्ट्रक्ट करना पड़ रहा था। अब मेरी फ्रेंड आ चुकी है साक्षी, मीट माय फ्रेंड साक्षी। मैं साक्षी और नीतू हम तीनों बचपन के फ्रेंड्स हैं, ऑलमोस्ट 5th class में थे जब फर्स्ट टाइम मिले थे, और इसके एक्सप्रेशन देखो यहाँ पर, हम बर्गर किंग में बैठे हमने बहुत बहुत इंजॉय करा इतने सालों बाद अपने फ्रेंड से मिलके ना, सच में बहुत अच्छा लगा, मैं बता भी नहीं सकती। हेलो गाइस माय फ्रेंड मीट अंकित और मीट वेटर ने मुझे दिखाओ वेटर वेटर रोस्टर चल आज की पार्टी मेरी तरफ से, मैं तुझे को दिखाऊं आज की पार्टी मेरी तरफ से, हाय द ब्लॉगर ऑफ इंडिया। फिर हमने बर्गर वगैरह खाए, मैंने अपने फ्रेंड साक्षी को कहा कि यार साक्षी कुछ वीडियोस बना दे, तो देखो उसने क्या किया। अरे सीरियसली देख विश्वास ही नहीं हो रहा है, फिल्टर कैच ही नहीं करेगा तो हाथ उठाएगी। हम तो अपनी मस्ती कर रहे थे, भाई साहब पता नहीं कहां से बीच में टपक पड़े। अच्छी लग रही है, से हाय नाइस।
सो गाइज एक बात के लिए तो आप लोगों को मुझे माफ करना पड़ेगा क्योंकि ये व्लॉग बहुत ही इनप्रोप्रिएट है, आई नो। एक्चुअली हम मोमेंट एंजॉय करने में इतने ज्यादा व्यस्त हो गए थे कि हम सारी चीजें व्लॉग करना भूल जा रहे थे। तो छोटी छोटी क्लिप्स हैं जो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। और फिर हम उसके बाद गए सरोजिनी नगर मार्केट थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के लिए। हम शॉपिंग में बिल्कुल खो गए, अभी आगे देखो क्या होगा, हमें ऑलमोस्ट हार्ट अटैक ही आ जाता। फिर मेरी नजर इस ट्रेंच कोट वाले सेक्शन पे गई, बहुत ही ट्रेंडी, बहुत ही यूनिक कलर में इनके पास बहुत सारे ट्रेंच कोट थे और ये कुछ 600 का प्राइस बोल रहे थे। हमने थोड़ी बहुत बार्गेनिंग करी, 300 रुपए सही है। इतनी मगजमारी करने के बाद भैया को नीतू ने मना ही लिया ट्रेंच कोट 300 रुपीज में ओनली देने के लिए। बहुत ही अच्छी बार्गेनिंग करती है भाई ये लड़की। नीतू को ये येलो वाला पसंद आ रहा था, साक्षी को ये ग्रे वाला पसंद आ रहा था, एक मैंने भी अपने ले लिया और फिर मैंने इन दोनों को गिफ्ट कर दिया। दोनों बहुत अच्छी लग रही थी इसमें। फिर थोड़ा सा उसी लेन में आगे बढ़ते बढ़ते हमें ये वाली शॉप दिखी। इसमें बहुत ही ट्रेंडी लॉन्ग स्वेटर्स वगैरह, क्रॉप स्वेटर्स, बहुत ही अच्छे अच्छे ट्रेंडी प्रिंट्स के स्वेटर्स वगैरह दिखे। ये ऑलमोस्ट 200 से 400 के प्राइस में थे। बस एक बात को आपको ध्यान रखना है कि आपको एक से एक चीजें मिल जाएंगी यहाँ पर, लेकिन आपकी बार्गेनिंग स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। फिर हमारी नजर गई इन डेनिम जैकेट्स पे, ऑल टाइम फेवरेट होती है डेनिम जैकेट्स। ये भी कुछ अच्छे रेट में मिल गया था हमको यहाँ पर। पहले सरोजनी नगर में ज्यादातर लड़कों के लिए चीजें नहीं मिलती थी, लेकिन आजकल थोड़ा बहुत मिलने लग गया, पर फिर भी हमें थोड़ा बहुत ढूंढना पड़ रहा था, लेकिन जो मिला हमें अच्छा मिला। और ये है विशु मेरा भाई। जबकि थड़ियों पे लड़कों के लिए स्वेटशर्ट अवेलेबल थे अलग अलग कलर अलग अलग प्रिंट्स में और काफी अच्छे लग रहे थे। 200 रुपीज का प्राइस था। ये व्हाइट वाला हमें बहुत अच्छा लग रहा था तो ये व्हाइट वाला हमने ले लिया। और हाँ गाइस, जो हॉल वीडियो आएगी वो बॉयज हॉल वीडियो भी होने वाली है क्योंकि मेरे हस्बैंड ने बहुत सारी चीजें ली है वहाँ से, परचेज करी है, तो मैं ये चीज दिखाना चाहती थी कि बॉयज के लिए भी क्या क्या चीजें अवेलेबल हो जाएंगी। और फिर कुछ इस टाइप के स्टॉल्स में हमें 50-50 रुपीज के स्वेटर्स मिल रहे थे, जिसमें कि मुझे ये वाला स्वेटर बहुत अच्छा लग रहा था। ये इस टाइप के पतले कार्डिगन 50 रुपीज के इज नॉट अ बैड डील। फिर नेक्स्ट स्टॉल था ये 250 रुपीज का और जिसमें से भी हमने बार्गेनिंग करी तो 200 रुपीज के स्वेटर्स वगैरह हमें मिल गए। इन चीजों में ध्यान रखना होता है कि कोई भी पीस डिफेक्टिव ना हो। नेक्स्ट एक शॉप थी जिसमें समरिश टाइप की ड्रेसेस मिल रही थी अलग अलग प्रिंट्स में अलग अलग कलर्स में, तो मेरे को बहुत अट्रैक्टिव लगी, जिसमें से मैंने एक लिया भी है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। और ये जेंजीज वाइब के चश्मे यहाँ पर 100 से 200 रुपीज में अवेलेबल थे, जो देख के मैं बहुत ही शॉक हो गई थी लिटरली। फिर हम रुके एक और स्टॉल पे जो 200 रुपीज में इतनी यूनिक टाइप की जीन्स थी ना, मतलब जो जो आप पिंटरेस्ट पे देखते हो ना लिटरली वो यहाँ पर अवेलेबल थी। और हमने यहाँ पर से बहुत सारी जीन्स ली जो कि मैं ऑब्वियसली आपको दिखाऊंगी। अच्छा, यहाँ पर नाइट वेयर की भी बहुत अच्छी वेरायटी थी, विंटर वाले नाइट वेयर भी काफी अच्छे रेट में थे, लेकिन मेरी नजर फिर इन सैटिन नाइट वेयर पे पड़ी जो कि बहुत ही अच्छे अच्छे कलर्स में अवेलेबल थे। मुझे ये दो कलर बहुत पसंद आ रहे थे तो इसमें से मैंने एक वाइन कलर का लिया, ये पड़ा था मुझे 300 रुपीज का। जितने भी आप इंस्टाग्राम पे ट्रेंडिंग ज्वेलरी वगैरह देखते हो, पिंटरेस्ट पे देखते हो, सारी यहाँ पर अवेलेबल थी, वो भी 50-200 रुपीज की रेंज में। और ये बहुत बहुत ही अच्छी क्वालिटी की थी, कहना पड़ेगा कि सरोजिनी नगर ज्वेलरी का तो हब है। एक और थड़ी पे हम रुके जो 250 रुपीज की सेल में था, ये फर जैकेट, ओ माई गॉड इतनी कोजी थी, पर हमने नहीं लिया ये, लेकिन अच्छी लग रही थी। नेक्स्ट इज दिस शॉप जिसमें हर टाइप के आपको ब्रांड के ड्यूप्स मिल जाएंगे बैग, और ये 350 रुपीज के सेल में थे। हर साइज में, हर कलर में, हर ट्रेंड में अवेलेबल थे इनके पास। बहुत अच्छा कलेक्शन था इस शॉप का, लिटरली बेस्ट बैग्स थे ऑल ओवर सरोजनी। फिर इनकी दुकान को थोड़ा बहुत और एक्सप्लोर करा तो बूट्स भी बहुत अच्छी क्वालिटी के थे, बट अनफॉर्चुनेटली मैं ले नहीं पाई बिकॉज ऑफ माई हाइट, क्योंकि मेरी हाइट 5'11" है। नेक्स्ट इज दिस, ये एक और थड़ी थी जहाँ पर आपको चूड़ियाँ वगैरह और सारा मेकअप का सामान मिल जाएगा बहुत ही चीप रेट पे, पर हमने यहाँ से लिया नहीं कुछ क्योंकि ऑब्वियसली चीप चीज़ें इतनी अच्छी नहीं होती हैं। फिर हमने इन भैया को देखा, स्माइल अच्छी लग रही है वैसे। भैया आपकी स्माइल जोरदार दिख रही है, पागल है क्या? सीरियसली देख लो वाली। गाइस प्लीज डोंट हेट, मेरी फ्रेंड की आदत है, वो सबको छेड़ते हुए रास्ते पे चलती है, पर सीरियसली इन भैया की स्माइल बहुत अच्छी थी। सो यस गाइस, ये था अब टाइम टाटा बाय बाय बोलने का। हम इतने इमोशनल हो गए थे कि वो हम सीन रिकॉर्ड ही नहीं कर पाए, पर कोई बात नहीं, चलता है। एंड आई विल मिस माई फ्रेंड्स, आई विल मिस सरोजनी नगर, और आई प्रॉमिस कि मैं जल्दी से वापस से सरोजनी नगर अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए जाऊंगी। नाउ इट्स टाइम टू गो होम। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। ओके, टाटा बाय।